और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाले मामले में अब सीबीआई के एक्शन को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां देश भर में 33 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। आपको बता दें, जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में छापेमारी को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। इसके अलावा बेंगलुरु और गुजरात में भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। बता दें आपको, भर्ती बोर्ड के पूर्व चेयरमैन खालिद जहांगीर के ठिकाने पर भी रेड को लेकर खबर मिल पा रही है। तो देश भर में 33 ठिकानों पर जारी सीबीआई रेड पर और अपडेट के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या इनपुट? एसआई रिक्रूटमेंट जो हुआ था, ये दरअसल अप्रैल में 2022 के अंदर ये रिक्रूटमेंट होना था, उसको लेकर ये रेड की जा रही है। उसमें दरअसल धांधलेबाजी की गई थी। बताया गया था कि तमाम तरीके की जो अनियमितताएं होती है भर्ती में, वो तमाम तरीके की अनियमितताएं बरती गई थी और उसको लेकर ये रेड फिलहाल की जा रही है। ये रेड इस वक्त जम्मू में 14 जगहों पर चल रही है, श्रीनगर में एक जगह, हरियाणा में 13 जगहों पर, गांधीधाम गुजरात में एक जगह पर चल रही है, बेंगलुरु में एक लोकेशन है, जबकि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में एक लोकेशन है। तो इन तमाम लोकेशन पर इस वक्त जो सीबीआई के कर्मी है वो मौजूद है और लगातार इस केस से जुड़े तमाम तथ्य और जो सबूत है वो इकट्ठा करने की कोशिश इस वक्त चल रही है। जी, हालांकि इस बारे में क्या जानकारी थी, आखिर ये एसआई भर्ती घोटाला है क्या जितेंद्र? जी बिल्कुल, देखिए 22 अप्रैल को बताया गया है कि ये एसएसबी के जरिए सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती होनी थी जम्मू कश्मीर में। वहां पर बताया गया कि तमाम कई अधिकारी थे, चाहे वो सीआरपीएफ के अधिकारी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हो और इसके अलावा जो बीएसएफ है उसके अधिकारी हैं। तो इन लोगों ने जो भर्ती थी, उस भर्ती में तमाम तरीके की अनियमितताएं भर्ती थी और जो परीक्षार्थी थे उन सभी को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की थी। तो फिलहाल इसको लेकर ये एक मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा 33 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसके बाद सीबीआई ने जून में भी इसको लेकर कार्रवाई की थी। इसके बाद अगस्त में भी पिछले महीने इसको लेकर 30 से ज्यादा लोकेशन पर रेड डाली गई थी और आज एक बार फिर से 33 लोकेशन पर इस वक्त सीबीआई कर्मी मौजूद है। 33 जगहों पर जारी छापेमारी पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे लेंगे अपडेट। शुक्रिया।